आज हम यहाँ में पोमा बस्ती में आया है, जहाँ में पोमा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ में ब्रिज का नीचे में है हम लोग, और ऊपर में ब्रिज है, वहाँ से हम लोग आया था। ब्रिज को पार करके हम लोग यहाँ में नीचे में हम लोग थोड़ा नहाने के लिए आया है। यहाँ का आदमी लोग, पब्लिक लोग हम लोग को मना किया है यहाँ में नहाने के लिए, दोबारा नहीं आने के लिए हम लोग को बोला है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में पिकनिक स्पॉट है, लोग इसको ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यानी यहाँ में नहाना और मछली मारना, मछली फिशिंग करना भी यहाँ में मना करता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पोमा नदी है, अभी पानी इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर में बच्चा लोग नहा रहा था, ये हम जहाँ में बैठा है नीचे में हम बैठ रहा है। आप लोग देख सकता है, ये पोमा एरिया है। आप लोग भी यहाँ में आने से पिकनिक नहीं करना है और हाइकिंग यहाँ में मना है, और स्विमिंग भी यहाँ में मना है। आज हम लोग को पहली बार आया है बोल के हम लोग को माफ़ किया है, दोबारा देखने से हम लोग को पाइन लेगा बोला है, नया आने के लिए हम लोग को वार्निंग दिया है। इसलिए अब यहाँ में आने से, यहाँ में मौत आई है, नीचे में आप लोग आने से अच्छा होगा, यहाँ में रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आप लोग को हम थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नदी को दिखाएगा, झरना को दिखाएगा, पोमा नदी को। ये देखिए, ये ऊपर में ब्रिज है, वहाँ से हम लोग आया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पोमा नदी का ये नज़ारा आप लोग को हम दिखाएगा। ये देखिए, ये गर्म दिन में बहुत बड़ा होता है नदी जो, अभी तो बहुत छोटा है। ये देखिए, ये नदी जो बहुत चापा है, यहाँ से ईटानगर का पानी को भी ऐसे लेता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पोमा नदी, ये देखिए बहुत पत्थर पत्थर है ये किनारे में। ये व्यू जो बहुत सुंदर है, यहाँ में नहाने के लिए भी मना है पब्लिक लोग, क्योंकि इसको सुंदरता रखने के लिए वो लोग इसको प्रिजर्व कर रहा है यहाँ का पब्लिक लोग। ये देखिए, ये नदी यहाँ में स्विमिंग करने के लिए भी मना कर रहा है। ये देखिए, बच्चा लोग अभी नहा रहा है। आज हम लोग को यहाँ में यहाँ का पब्लिक लोग मना किया है यहाँ नहीं, दोबारा नहीं आने के लिए। ये देखिए, ये व्यू बहुत सुंदर है। ये पानी जो गहरा नहीं है, अभी बच्चा लोग नहा रहा है आराम से, ये गहरा नहीं है अभी। ये देखिए, ये पत्थर लोग बहुत बड़ा है, सामने जाने से बहुत बड़ा है। ये पत्थर का ऊपर में चढ़ने के लिए तो मुश्किल है, नहीं सर पाएगा। ये सफ़ेद है नीचे में, ऊपर में काला है, ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है। यहाँ तक है पानी, गर्म भी नहीं, पानी यहाँ में आता है, ये देख सकते हैं। यहाँ में मछली भी बहुत है, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा छोटा मछली भाग रहा है, खेल रहा है। अंदर जाने से बहुत मछली है, यहाँ में पैर रखने से, पानी का अंदर में पैर रखने से मछली लोग बहुत सामने सामने आ जाता है। ये देख सकते हैं, ये पोमा नदी, ये पानी भी बहुत साफा है। ये देखिए, ये बहुत साफा पानी है पोमा नदी जो। लेने जाएगा।